हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए अब मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो आप उन दोनों को प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑलवेज गिव लेडीज सीट इन द बस, इन द मेट्रो ट्रेन, और जहाँ भी मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जहाँ पे लिखा होता है लेडीज सीट। मतलब तो ज़्यादातर बस वगैरह जो होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, जैसे यहाँ हमारे भारत में जैसे दिल्ली में डीटीसी की होती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, डीटीसी की जो बसें होती हैं सीएनजी से चलने वाली, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो बसें होती हैं जो सीएनजी से चलती है, मतलब तो उन सभी बसों में लेडीज सीट लिखा ही होता है। मेट्रो वगैरह में भी लेडीजों के लिए पहले से सीट रखा रहता है। मतलब तो कहने का मतलब आज हम इस टॉपिक को लेकर बात करेंगे, मतलब कि जहाँ भी मतलब लेडीज सीट का जो हकदार हो या मतलब, तो उनको हमें उस जगह पर लेडीज सीट दे देनी चाहिए। अब इस चीज को लेकर आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ जगह पर देखा है कि लेडीज सीट लिखा होता है वहाँ पे, मतलब तो जेंट्स वगैरह होते हैं या बॉयज वगैरह होते हैं, मतलब तो वो इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। तो इसी चीज़ को आज हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमने अक्सर देखा होगा कि मतलब जब हम बस वगैरह में सफर करते हैं, मतलब जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारे पास बनने होते हैं पास के थ्रू, और जब स्कूल में भी होते हैं कॉलेज में भी होते हैं तो हमारा मंथली पास बनता है। मतलब तो हम तो चलो स्टूडेंट होते हैं, मतलब तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सीनियर होते हैं, जो जॉब के पर्पज से मतलब सफर कर रहे होते हैं बस के अंदर, और यही सेम चीज होता है मेट्रो के अंदर भी। तो चाहे हम बस में सफर करें, मेट्रो में सफर करें, यहाँ तक कि जो मिनी बसें भी होती हैं, मतलब वो भी जो चलती है उसमें भी तो लेडीज सीट पहले से बुक करके आरक्षित करके रखा होता है। मतलब तो जैसे मैंने बताया, बसों के अंदर, मेट्रो के अंदर और जो मिनी बसें होती हैं उसके अंदर भी लेडीज सीट मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मतलब गाड़ी वगैरह चलती है, बस वगैरह चलती है, तो कई लोग उसमें चढ़ते हैं। तो जैसे अगर कोई लेडीज नहीं चढ़ती है मतलब किसी स्टैंड पे, तो जेंट्स वगैरह चढ़ जाते हैं या बॉयज या लड़के जो होते चढ़ जाते हैं, और जाके वो क्योंकि कोई नहीं बैठा था, तो कोई भी मतलब अगर लेडीज सीट पे उस समय कोई नहीं बैठा है, कोई लेडीज नहीं बैठी कहने का मतलब है ना, तो फिर तो कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो जेंट्स हो, बॉय हो या लड़का हो मतलब। लेकिन फिर क्या होता है, अगले स्टैंड पे कोई लेडीज चढ़ गई या कोई मतलब लेडीज चढ़ गई या कोई ओल्ड लेडीज चढ़ गई कहने का मतलब है ना, और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज भी चढ़ जाती है कहने का मतलब। तो आप तो फिर चढ़ने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मेट्रो में बताया या बस में बताया या मिनी बसों में बताया कि कई लोग देख तो लेते हैं कि कोई लेडीज चढ़ी है, हो सकता है वो बूढ़ी हो, या हो सकता है वो कोई लड़की हो, या हो सकता है कोई मिडल एज हो, या फिर हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो। मतलब तो चार तरह के मतलब कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब लड़कियों के मतलब लेडीजों के, प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, बूढ़े भी हो सकती हैं, मिडिल एज भी हो सकती हैं और यंग भी हो सकती हैं। तो उनको पता, फिर जो जेंट्स होते हैं वहाँ पे लेडीज खड़ी हो मतलब, क्योंकि उनका वो हक है कि लेडीज सीट पर जाकर वो लेडीज सीट के लिए बोले कि भाई साहब या बेटा या जो भी है मतलब कि आप हमें सीट दे दीजिए। तो कई लेडीज तो बोल देती हैं, तो वो अब बंदे को मतलब, तो बंदे कई अच्छे होते हैं मतलब वो सीट दे देते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि जब आप किसी लेडीज को देखते हो मतलब बस में चढ़ते हुए, मतलब क्योंकि आप पहले से अगर किसी लेडीज सीट पर बैठे हो मतलब, तो कोई लेडीज आपके सामने चढ़ती है तो आपको दिख जाता है कि हाँ मैं, और आप चढ़ने से पहले भी देख लेते हो बस में, चढ़ने के बाद सीट पर भी देख लेते हो कि हाँ ये नॉर्मल सीट है, जनरल या लेडीज सीट है या दूसरी सीट है मतलब। तो अगर आपको ना पता है कि, और पहले से जनरल सीटें सारी फुल है लेकिन लेडीज सीट खाली आप बैठ जाते हो, तो आपके सामने कोई लेडीज चढ़ी है, चाहे वो बूढ़ी हो, प्रेग्नेंट हो, यंग हो या मिडिल एज हो, तो इस आपका फर्ज बनता है मतलब कि आप बिना बोले ही वो जो सीट है मतलब आप उनको बोल दें कि बहन जी बैठ जाइए, बेटा बैठ जाइए, आंटी बैठ जाइए मतलब। तो
कहने मतलब तो कई लोग एक्चुअली होता क्या है कि देख लेते हैं कि कोई ना कोई चढ़ गया है फीमेल में, है ना, तो वहां पर वो चीज लोगों को दिखता है। अब लेडीज हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, कई लोग बोलते नहीं, कई लेडीज बोलती नहीं झिझक के मारे, या उनको लगता है कि बंदा समझदार होगा तो खुद ही सीट को छोड़ देगा या बोल देगा कि आप बैठ जाओ। तो कई लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं तो मतलब उस चीज को सीट को दे देते हैं कि आंटी आप बैठ जाइए, मैडम आप बैठ जाइए, दीदी आप बैठ जाइए, मतलब जो भी मतलब अच्छे से उनका मतलब रिस्पेक्ट करते हुए मतलब। लेकिन कई लोग होता है कि उस चीज को इग्नोर करते हैं, मतलब इग्नोर मतलब अनदेखा करते हैं। अब लेडीज आपके सामने खड़ी है, ऊपर जो पाइप वगैरह गए होते हैं हैंड मतलब हैंड सपोर्ट के लिए उसको पकड़ के, क्योंकि हम भी कई बार जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे और कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो कई बार हमने इस चीज को देखा था, मतलब देखा है, और मेरे को काफी बुरा लगता था क्योंकि मैं तो जब मेरी हैबिट थी नहीं मतलब कि कोई मेरे सामने लेडीज हो या बूढ़ी औरत हो या ओल्ड लेडीज हो या मिडिल एज हो, क्योंकि लेडीज तो कोई भी हो सकती है ना, जब उसका हक है उस सीट पर बैठने के तो हमें उसको दे देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो कभी अपने अपने लाइफ में मतलब जब भी अगर मैं, क्योंकि कोई नहीं बैठा तब तो मैं बैठ जाया करता था, लेकिन अगर कोई लेडीज अगले स्टैंड पर चढ़ी और मैं अगर फीमेल लेडीज पर बैठा हूँ, लेडीज सीट पर बैठा हूँ, मतलब फीमेल या लेडीज जो लेडीज सीट होती है पर बैठा हुआ हूँ, मैं तुरंत उठ के बोल दिया देता था कि अगर ओल्ड होती तो बोलता था आंटी आप बैठ जाइए, कोई मिडल एज होती तो मैं बोलता दीदी आप बैठ जाइए सीट के ऊपर, या आपकी सीट है आप बैठ जाइए, मतलब आप लोगों के लिए, तो मैं तो उनको फटाफट सीट दे देता था, मतलब क्योंकि उनका हक है। मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि वो हमें बोलेंगे नहीं तो हम बैठे रहेंगे, मतलब क्योंकि हर किसी को सीट पर बैठ के सफर करना अच्छा लगता है क्योंकि आपको आराम मिलता है मतलब। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बस के अंदर कई सारी सीटें होती हैं, जनरल सीटें होती हैं, उस पर कोई भी बैठ सकता है लेडीज जेंट्स, और कुछ सीट ऐसी होती हैं जो पहले से ही आरक्षित होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया एक लेडीज सीट हो गया, उसके अलावा हैंडीकैप सीट भी होता है, सीनियर सिटीजन सीट भी होता है, जो बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं मतलब बस में चढ़ते ही वो, क्योंकि बस में धक्के वगैरह भी लगते हैं कई बार, बस भी ऐसे हिलती हुई मतलब क्योंकि चलती है तो कई बार गड्ढे भी आते हैं और ब्रेकर भी आता है रास्ते में, मतलब तो गाड़ी जो फ्लो में अपने चल रही होती है, तो बूढ़े लोग जो ओल्ड एज होते हैं मतलब वो ज्यादा हिलने की वजह से उनके शरीर कमजोर होता है मतलब, तो ज्यादा देर तक वो खड़े रहकर सफर करना उनके लिए काफी दिक्कत वाला होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैं बात कर रहा था कि जो लेडीज सीट होता है, तो चलो अगर कोई यंग लड़की है मतलब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लेडीज सीट नहीं देते हो, लेकिन बेसिकली तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन तो अगर यंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब, लेकिन आपको दे देना चाहिए। दूसरी बात अगर मिडिल एज भी है तो वो लोग बोल के सीट ले लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं मतलब जो बूढ़े होते हैं, और खा तो अगर आप बूढ़े कोई लेडीज है मतलब ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है मतलब, और उस टाइम हो सकता है कि जो सीनियर सिटीजन सीट हो वो पहले से उस पर कोई ना कोई मतलब बैठा हुआ हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन में यह नहीं लिखा होता कि वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो मेल चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो फीमेल, दोनों में से कोई भी उस सीट पर बैठ सकता है, तो हो सकता है उस सीट पर कोई पहले से बैठा हो, तो और आप क्योंकि लेडीज सीट पर बैठे हो मतलब, तो आपका फर्ज बनता है कि वो जो बूढ़ी महिला चढ़ी है ओल्ड लेडीज चढ़ी है मतलब आप उस सीट को उसको दे दे, क्योंकि उस एज हो सकता है कि हमारे घर के अंदर हमारी वो हमारी दादी की उम्र है मतलब, या हमारी माँ की उम्र है मतलब, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि अगर हम उसके वो जो लेडीज चढ़ी है अगर उसकी उनकी जगह पर हमारे अगर हमारे रियल मदर होती या हमारी रियल नानी या दादी होती तो क्या हम उनको सीट नहीं देते हैं? क्या हम बैठ के देखते रहते हैं और उनको खड़ा करके रखते हैं? नहीं ना, हम तो उनको सीट दे देते हैं। तो मतलब आप ये सोचे, और उस लेडीज में उतनी ताकत नहीं, उतनी क्षमता नहीं जो मतलब अगर उसका सफर लॉन्ग मतलब जैसे मतलब जो आखिरी स्टेशन का हो या काफी दूर स्टेशन का हो, तो वो लेडीज कैसे अपने बॉडी को मतलब क्योंकि हिलेंगे या कहीं झटका लग गया तो गिरने का चांसेस होता है मतलब, तो बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप किसी चीज को डायरेक्ट सीट के आगे पकड़ने का होता है, आप होल्ड करके रख सको। यंग बंदा तो इजिली होल्ड कर सकता है, बट जो ओल्ड एज होते हैं क्योंकि शरीर कमजोर होने के कारण, बूढ़े होने के कारण, ओल्ड होने के कारण शरीर में उतनी जो क्षमता होती है उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कहने वाला अगर हम उस एज की खासतौर पर दिखते हैं तो हमें सीट तुरंत दे देना चाहिए, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज भी चढ़ती है मतलब, तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है मतलब, तो हमें प्रेग्नेंट लेडीज को भी सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब खड़े होकर वो सफर नहीं कर सकती ना, ओल्ड एज की लेडीज सफर कर सकती हैं खड़े होकर। दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो था जो कि मैंने इस टॉपिक पर बात किया कि जब भी आप अगर बस में चढ़ते हैं मतलब, और अगर उस टाइम कोई
लेडीज सीट है और आप बैठे हुए हो मतलब, तो उसके बाद और कोई अगर दूसरा लेडीज ना चढ़ी है, तो अगर आप जैसे नेक्स्ट टर्न से अगर कोई भी फीमेल चढ़ती है लेडीज में, मतलब ओल्ड, मिडल एज या और प्रेग्नेंट और मिडल एज, मतलब जो भी चढ़ती है, चाहे कोई भी लेडीज हो, आपको उसको सीट दे देनी चाहिए एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक अच्छे ह्यूमन बींग होने के नाते। दोस्तों मेरा आज का एक ये नया वीडियो था, कैसा आपको, कैसे आप सभी को लगे मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।